तो गाइस हम लोग डैम घूम लिए, अब हम लोग जा रहे हैं चिटाही मंदिर। ये पार्ट टू है। अगर आपको पार्ट वन अच्छा लगा होगा तो आई होप पार्ट टू भी आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक टेम्पल है और बहुत ही अच्छा जगह है। पीछे हमारा टेम्पल है, अब हम लोग जा रहे हैं टेम्पल के अंदर। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो का स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। तो गाइस मैं अब कार में आ गया हूँ, क्योंकि उस छोटी मौसी को वोमिटिंग थोड़ा हो रहा था तो मैं कार में आ गया, उनको बाइक पे भेज दिया रितेश मामा के साथ। तो अभी हम लोग कार पे रुका हुआ है, कार हमारा कुछ हम लोग खाने पीने का सामान ले रहे हैं। फाइनली हम लोग रामराज मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए पीछे मंदिर है। अभी 3:07 बाकी, हम लोग 7 मिनट पहले हैं और 3 बजे मंदिर ओपन होता है। और हम लोग जूता उत्ता पहने हुए तो हम लोग जूता उत्ता कार में ही खोल के रख देंगे, क्योंकि जूता उत्ता अलाउ नहीं होता मंदिर में, आपको ही पता और हमें भी पता है। तो जूता उत्ता हम लोग खोल देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर नो मास्क नो एंट्री हो चुका है, क्योंकि कोविड का केस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया में कि उसका कोई गिनती ही नहीं है गाइस। तो आइए कभी भी तो मास्क लेकर के आइए अपना, और हम लोग अभी जूता उत्ता खोलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को मंदिर में डायरेक्ट। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली रामराज मंदिर। यह रहा अपना, देखिए ये यहाँ पे, और अभी हम लोग हैं मेन गेट के पास। यहाँ से सीढ़ी है, हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और फिर आगे का व्यू दिखाते हैं आपका। पूरा मंदिर बहुत ही अच्छा बनाया गया है और काफ़ी सुंदर ये मंदिर को बनवाया गया है यहाँ पे। तो हम लोग आगे मिलते हैं ब्लॉग में। अपना रामराज मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ का व्यू काफ़ी ही अच्छा और मौसम तो आज बहुत ही सुहाना किया हुआ है। तो देखिए ये रहा अपना रामराज मंदिर। हम लोग अभी एंट्री गेट के पास पहुँचने वाले हैं और हम लोग कुछ ऐसे दिखा दे रहे हैं यहाँ से। रामराज मंदिर का मेन गेट और हम लोग जा रहे हैं, अभी पूरी फैमिली आ रही है हमारी। मंदिर काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे पब्लिक भी अच्छी खासी है। तो ये कुछ है ऐसा रामराज मंदिर का जो मेन गेट है, ये है मेन गेट। और हम लोग मेन गेट के पास ही पानी है, यहाँ पे पैर धोइए अपना, ऐसे यहाँ पे पैर धोइए और आराम से इसके फर्श पे आराम से पहुँच सकते हैं। कुछ ऐसा है रामराज मंदिर। तो हमारी सारी फैमिली आ रही है गाइस। तो हम लोग चिटाही मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रामराज मंदिर चिटाही में है। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का मंदिर का, आप देख सकते हैं चारों साइड। मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, पूरे मंदिर को आप अच्छे से कवर कीजिए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा ये ब्लॉग बने। तो आप लोग को भी इंटरेस्टेड अगर लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ब्लॉग को। मामा हमारे गाइड बन चुके हैं, क्योंकि मामा यहाँ पर हमेशा घूमते रहते हैं, तो मामा गाइडिंग कर रहे हैं हम लोग को और हम लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये है राधे राधा जी एंड कृष्ण जी का मंदिर है ये।
अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा और यहाँ पे कुछ छोटा सा एक गार्डन है, बट यहाँ पे अलाव नहीं है अंदर जाना। तो अभी मामा हम लोग को गाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग राधे जी और कृष्ण भगवान का टेम्पल देखे, अब हम लोग जा रहे हैं आगे का मंदिर में। यहाँ पे है राम जी और सीता जी का मंदिर, लक्ष्मण जी भी साइड में आपको दिख रहे होंगे। ये है राम जी और लक्ष्मण जी का और सीता जी का मंदिर, किस प्रकार है। यहाँ पे फोटो शूट सब भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे यहाँ का मतलब कोई भी चार्ज लगता नहीं है, कैमरा उमरे का या फिर फ़ोन का आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप आराम से यहाँ पे आइए, फ़ोटो शूट करवाइए। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर में। यहाँ पे शंकर भगवान जी का शिवलिंग है, आगे जाते हैं तो आगे में हमें मिलते हैं शंकर भगवान एंड पार्वती माता हमारे, हर हर महादेव। अब हम लोग यहाँ पे भी दर्शन कर लिए, अब हम लोग जाते हैं आगे मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और सारे भगवान का मंदिर आई थिंक यहाँ पे है। तो हम लोग जा रहे हैं अब आगे के मंदिर में। यहाँ से मंदिर कुछ इस प्रकार का लगता है। अभी हम लोग कॉर्नर साइड में हैं। तो यहाँ पे हमें मामा बताए कि यहाँ पे पूजा करके आप चुंदरी बांधिए तो आपका सारा मनोकामना पूरा होता है। और हम अभी आगे जा रहे हैं और अभी और आगे में मंदिर है। तो अभी यहाँ पे देखिए बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पे हम लोग आगे जाके थोड़ा दिखाते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर था, अब हम लोग आगे और एक मंदिर है, अभी एक दो मंदिर और है तो फिर हम लोग वहाँ चलते हैं। और यहाँ पर भी बजरंगबली का मंदिर है हनुमान जी के हमारे, हम लोग यहाँ भी चलते हैं। जय बजरंगबली। यहाँ पे है बजरंगबली और फिर एक और मंदिर है, हम लोग वहाँ कवर करते हैं। और सामने का मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार का है। हम लोग आगे चलते हैं आगे वाले मंदिर पे। आगे में शायद गणेश भगवान जी का है मंदिर। और हाँ, तो ये है गणेश जी का, गणेश भगवान जी का, गणपति बप्पा मोरिया। तो यहाँ पे जितने मंदिर थे हमने सब कवर किया, आप लोग को दर्शन करवाया, मैंने खुद भी दर्शन किया। काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है और काफ़ी शांत ये मंदिर एरिया है। यहाँ पे गाना भी बजते रहता है एनी टाइम, बट अभी नहीं बज रहा क्योंकि कोरोना का टाइम है। और यहाँ पे मास्क का एकदम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो रखी है आज यहाँ पे पब्लिक कुछ ज़्यादा है। तो हमने भी आपको सारे भगवान का दर्शन करवाया और मैंने भी खुद किया। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा फोटोशूट के लिए, क्योंकि फ़ोटोशूट एक दो करेंगे। अगर तो गाइज हम लोग थोड़ा भी आगे के साइड जा रहे हैं, क्योंकि इधर से जंगल का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है और आज मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और पीछे बहन और मौसी दोनों साथ में हमारे, और मामा भी हमारे साथ में, क्योंकि मामा जी हमें गाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं और अभी ये सेकेंड टाइम है हमारा, तो मेरे को उतना नहीं पता। मामा यहाँ के लोकल आदमी है तो इनको सब कुछ पता है यहाँ का। बस तो गाइज हमारा यहाँ का फोटोशूट हो गया है कंप्लीट। तो हमने यहाँ का, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड जो था वो काफ़ी मस्त आ रहा था, तो हमारा फोटोशूट यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब आगे जाते हैं, आगे का फोटोशूट भी होगा तो आगे का भी फोटोशूट आप लोग को दिखाते हैं इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चैनल पर नया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे मामा लोग का फोटोशूट चल रहा है, यहाँ पे सेजल मामा का फोटो खींच रही है और यहाँ पे हम लोग अभी सीता जी और राम भगवान के मंदिर में हम लोग आगे का दर्शन करवा रहे हैं। तो गाइज हमारा फोटोशूट हो गया है कंप्लीट, हमने मंदिर का टूर भी आपको करवाया। यहाँ का माहौल जो है वो बहुत शांति है, एकदम बहुत ही शांत जगह है ये। और हम लोग ने पूरा घूमा और हमारी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है
और हम लोग आगे अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ रह लिए और हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉग भी बन चुका है, रील्स भी बन चुका है और हमारा फोटोशूट हो गया। अगर आप हमारा फोटोशूट देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए और हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। और इसका पार्ट वन जो था आपको आइकॉन बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसका फर्स्ट जो ब्लॉग था वो भी आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। और ये सेकंड पार्ट है गाइस, moments later. गाइस यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, यार बोटिंग यहाँ पे शायद प्राइस है 100 रुपये एक बोटिंग का, और दो की जाएगा तो उससे शायद सस्ता कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से इधर देख लीजिए क्या मैनेज है क्या नहीं, लेकिन एक बोटिंग का 100 रुपये लेते हैं यहाँ का चार्ज है और कुछ ऐसा है बोटिंग। तो आप लोग भी आइए और कभी ट्राई कीजिए बोटिंग। हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि बारिश का टाइम है और हम लोग का घर यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा घर, क्योंकि हम लोग बाइक से हैं, बाइक वाले भींग सकते हैं, तो इसलिए जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ब्लॉग जल्दी आएगा नेक्स्ट वाला, तब तक के लिए बाय। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोरोना का टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कोरोना का केस, तो स्टे होम स्टे सेफ।